हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, जो कंसेप्ट पढ़ा था, वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आज जो हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं बेटा, दैट इज अबाउट द इक्विटोरियल लाइन। ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्विटोरियल लाइन का मतलब क्या है। सो से डायग्राम को बहुत ध्यान से क्लियर करना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। हमारे पास एक डाइपोल हम लोगों ने कंसीडर किया कुछ इस तरीके से, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज। से दिस लोकेशन बी ए, दिस लोकेशन बी बी। अब जो डाइपोल का लेंथ है वो हम लोगों ने कंसीडर करा टोटल डिस्टेंस, दिस ए टू बी बी 2a, दिस बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सो दैट सेंट्रल डिस्टेंसेज हमारे पास हो जाते हैं a एंड a। और इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट को जब हम लिखेंगे, सो बेसिक फॉर्मूला वही, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, सो दिस p विल बी इक्वल्स टू q इनटू 2a। अभी इसको आगे हम डेरिवेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। So, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सियल लाइन का मतलब था डाइपोल के सेंटर से एक लाइन जो कि अलोंग द एक्सिस जाएगी, तो उस लाइन को हम कहते थे एक्सियल लाइन, अलोंग दिस वे। अब बात है हमारे पास बेटा इक्विटोरियल लाइन की। तो इक्विटोरियल लाइन का मतलब क्या है, राइट फ्रॉम द सेंटर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से। सो दिस लाइन विल बी नोन एज द इक्विटोरियल लाइन। नाउ से इस लाइन पर हम लोगों ने एक पॉइंट पी कंसिडर किया जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। से द पॉइंट पी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ओ इन द परपेंडिकुलर पोजीशन। अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में भी कहा, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है और वहां चार्ज अवेलेबल नहीं है तो वहां हम क्या रखेंगे, वी विल प्लेस अ टेस्ट चार्ज। तो पॉइंट पी पर से हम लोगों ने रख दिया एक टेस्ट चार्ज जिसका नेचर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। नाउ अगेन द कंसेप्ट, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बी पॉइंट पर रखा है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे पॉइंट पी पर, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगी, लाइक दिस वे, यहां से ऐसे बाहर की तरफ, लाइक दिस। सो से इसको हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये ऐसे कुछ, दिस वे, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लिया उस चार्ज की वजह से जो कि पॉइंट बी पर रखा है। एंड नाउ इन द सिमिलर वे अब हम देखते हैं ए के लिए। सो ए पर रखा है नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड। तो पॉइंट पी से और पॉइंट ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस ए की वजह से वो कैसे होगी, टूवर्ड्स टू दिस ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बेटा हमारे पास ड्यू टू ए, एज पर द कंसेप्ट पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड और नेगेटिव से फील्ड इनवर्ड। तो अब इसके बाद क्या होगा ये देखते हैं। भाई ये डिस्टेंस हो गया आर और ये डिस्टेंस हो गया ए, तो इसका मतलब पी बी एंड दिस पी ए, पी बी एंड पी ए दोनों ही सेम रहेंगे, जो कि कितने हो जाएंगे अगर हम पाइथागोरस लगा देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास पी बी एंड पी ए के लिए। नाउ ये दोनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। नाउ हम क्या करते हैं, डाइपोल का जो ये लाइन है ये वाला, इसी से बिल्कुल पैरेलल लाइन ले लेंगे यहां पर इस तरीके से। इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस मस्ट बी थीटा। अगर देखा जाए ई बी इस लाइन से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इस ई बी के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे इस तरीके से। भाई ये हो गया हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी ई बी कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू बी ई बी साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान से देखना है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। सो नाउ यहां से देखिए ई ए ये वाली जो फील्ड है, ठीक, वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस ई ए के कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे, दिस इज गोइंग टू बी ई ए कॉस थीटा एंड एक कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा ई ए साइन थीटा।
इन चारों कंपोनेंट्स को बहुत ध्यान से देख लीजिए एक बार बेटा आप लोग. ई बी साइन थीटा दिस इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. ई ए साइन थीटा इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. एंड ये दोनों ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं एंड वो भी अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो नाउ अगर आप लोगों को याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनाया वो बना के क्यू ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर. इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग लिखते हैं ई ए की वैल्यू, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, दैट इज चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एट पॉइंट पी, ए की वजह से पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, this is going to be kq and now the distance will be this pa, so pa distance is right here. agar isko yahan substitute karte hain to kitna bana r square plus a square, root hat jayega. and in the similar way agar aap likhte hain beta eb ka value, so eb that is electric field due to b at point b, the distance again the same, so iska matlab electric field bhi same rahegi, usme koi changes nahi aayenge. so now comparing these two, ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करके देखिए. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो कंक्लूजन निकल रहा है बहुत सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज सेम एज दैट ड्यू टू बी. और अगर ऐसा है ई ए और ई बी दोनों सेम है तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट. ठीक, ई ए और ई बी दोनों सेम, एंगल्स भी सेम चल रहे हैं, तो ये वाले दोनों कॉम्पोनेंट हो जाएंगे कैंसिल्ड आउट. इसका मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी उस फील्ड में इन वर्टिकल कंपोनेंट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा. अब बचे ये दोनों, इन दोनों की डायरेक्शंस हैं सेम. अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है सो बोथ विल बी गेट एडेड अप. और अगर दोनों को एड अप करते हैं सो सेम ई बी कॉस थीटा एंड ई ए कॉस थीटा. सो ई ए एंड ई बी दोनों ही सेम है. ठीक, तो इसकी वजह से हम क्या लिख पाएंगे ये देखते हैं. जैसा कि हम कह रहे थे कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली ड्यू टू दीज कॉम्पोनेंट्स और दोनों की डायरेक्शन है सेम. सो दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज दोनों का सम. और दोनों के सम में क्योंकि ई ए और ई बी दोनों इक्वल थे तो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा और या फिर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई बी कॉस थीटा. अब अगर हम लोग इसके अंदर रीडिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं से ई ए ई बी, किसी की भी रीडिंग सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो टू ई ए और ई बी ये था हमारे पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस कॉस थीटा एज इट इज. यहां से इसको हटा देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, नाउ फ्रॉम द फिगर हम कॉस थीटा की वैल्यू को पकड़ते हैं. सो दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए. कॉस थीटा इज गोइंग टू बी बेस ओवर दिस हाइपोटेन्यूज. सो वी कैन से दिस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अगर उसको हम यहां रिप्लेस करते हैं बेटा हमारे पास हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू टू के क्यू. कॉस थीटा इज बेस सो यहां से हो गया ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस विल बिकम्स हाउ मच आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड पावर थ्री बाई टू. क्योंकि देखिए यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा और इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, तो बेसिस सेम पावर एड होकर के हो जाएगा थ्री बाई टू. और क्योंकि क्यू इंटू टू ए रिपीट कर रहे हैं क्यू इंटू टू ए विल गिव्स यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेटा. तो ई पी इज गोइंग टू बी के एज इट इज, क्यू इंटू टू ए की जगह हो जाएगा पी एंड दिस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड पावर 3/2. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है हमारे पास ड्यू टू द इक्विटोरियल लाइन. और याद हो एक्सियल में भी हम लोगों ने एक केस सीखा था बेटा कि अगर हमारे पास जो डाइपोल है वो एक आइडियल डाइपोल हो, आइडियल डाइपोल और या फिर वो कह सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उस केस में हम कहते थे कि दिस ए विल बी वेरी वेरी लेस देन आर. जो ए है वो आर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होगा. अगर ऐसा है सो दिस ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड. आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे ही इस रिजल्ट में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2. तो यहां से आपके पास ये 2
कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विटोरियल लाइन की वजह से कितनी बन गई बेटा, इट इज के पी बाय आर क्यूब। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन मीन्स एट पॉइंट पी हमारे पास रेडी हो गई है बेटा, इट इज के पी बाय आर क्यूब। नाउ अब हमें देखनी है डायरेक्शन। सो बहुत ध्यान से समझिएगा, लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन को देखना है तो वो किन की चीज किस किस के बीच में देखी जाएगी। सो दैट विल बी बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मूवमेंट। सो सी, डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तो रहा हमारे पास हमारे डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इन कॉम्पोनेंट्स की वजह से बनी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस इज वी हैव ई इक्विटोरियल नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ध्यान से देखिए, ये दोनों ही एक दूसरे से कैसे एक्ट कर रहे हैं, एंटी पैरेलल। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज एट 180 डिग्री, मींस इक्विटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी वो डाइपोल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा एक्ट करेगी 180 डिग्री के एंगल पे। एक तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे इक्विटोरियल के लिए खत्म हो जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है न्यूमेरिकल में कहीं काम आ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, सिंपल है बहुत। हम लोगों ने सीखा ई एक्सियल इज 2 के पी बाय आर क्यू, ठीक। नाउ से अगर एक आइडेंटिकल डाइपोल है, दिस मीन्स जो डाइपोल हम लोगों ने इस्तेमाल किया था एक्सियल लाइन के केस में, वही डाइपोल हम यहां पे भी कंसीडर कर रहे हैं फॉर द इक्विटोरियल लाइन। दूसरी चीज, जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस का मतलब रहा ये आर का वैल्यू, ये वाला आर का वैल्यू। तो जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस था हमारा एक्सियल में, वही ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग यहाँ इक्विटोरियल में। सो इन दैट केस देखिए क्या होगा हमारे पास। सो ई एक्सियल इज गोइंग टू बी ट्वाइस, इसको अलग कर लेते हैं और यहां कर देते हैं हम के पी बाय आर क्यूब। सो के पी बाय आर क्यूब हमारे पास क्या है, इक्विटोरियल लाइन वाली वैल्यू। तो इधर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दिस ई एक्सियल विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल। तो सिंपल सा पॉइंट ये याद रखना है कि एक आइडेंटिकल डाइपोल के लिए एक्सियल से इक्विटोरियल लाइन का जो रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज 2:1। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन अ सिचुएशन व्हेन वी आर यूजिंग द सेम डाइपोल फॉर बोथ, फॉर एक्सियल लाइन एंड फॉर द इक्विटोरियल लाइन।